18 जुलाई को बीजेपी नेता विशाल भगत का जन्मदिन मलाड ईस्ट खांडवाला लेन रहवासियों के साथ मिलकर बनाया। साथ ही साथ विशाल भगत ने अपने जन्मदिन के दिन पर लोगों को बिस्किट का डब्बा और सीनियर सिटीजन को छाता बांटा। साथ में मौजूद रहे मुंबई रफ्तार न्यूज की टीम और उन्होंने इस जन्मदिन की न्यूज कवरेज की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। विशाल भगत का कहना है कि सेवा करना ही मेरा धर्म है। दोस्तों आज है मलाड़ में खांडवाला लेन में, जहां पर बीजेपी नेता विशाल भगत जी का जन्मदिन है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। आप देखते हो तमाम पब्लिक यहां पर आई है इनके जन्मदिन के अवसर पर। आइए हम जानते हैं विशाल भगत जी का क्या कार्यक्रम था और किस तरह से इन्होंने आज ये खुशी को मनाया आम जनता के बीच में। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई रफ्तार न्यूज़ में। विशाल जी आपने आज आपका जन्मदिन पब्लिक के जनता के बीच में जाके मनाया, कैसा आइडिया है और कैसा अनुभव रहा है? सबसे पहले हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें चाहने वाले लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और मैं अपने जन्मदिन में उपहार मांगना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये तो ऊपर वाले का देन है, हम तो एक जरिया हैं किसी चीज़ को देने के लिए। मैं कुछ नहीं देता, सब ईश्वर देते हैं और ईश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ है, हम तो एक जरिया हैं उनके लिए। इस कोविड-19 के दौर में सब अपना अपना प्रोग्राम मनाते, विशाल भगत जी चाहते तो अपने घर में अपना बर्थडे मना सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की और गरीब की तकलीफ देखते हुए खुद अपना बर्थडे न करते हुए लोगों की सहायता की, किसी को छतरी दिया, किसी को बिस्किट दिया, उसके लिए जनता की तरफ से मैं विशाल भगत का बहुत बहुत आभार हूँ। जी का यहाँ पे जन्मदिन मनाया, हमको बहुत खुशी है और उनकी तरफ से जो बांटा गया वो बहुत बड़ी चीज़ है और इनके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। सब बच्चे लोग के लिए खुश किया और मैडम ने पण खुश किया, अनाज दिया, सब कुछ दिया खांडवाला लाइन में सबको, हम धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।